हाय दोस्तों, मैं बिलाल चौधरी और आप देख रहे हैं टेक्निकल गिफ्ट। टॉपिक देखकर के, वीडियो का थंबनेल देखकर के आप समझ गए होंगे कि मैं बात करने वाला हूं आपके डीएलएड के वैलिडेशन पर। आपको पता है, जब आपने डीएलएड में एडमिशन लिया था उससे पहले से गवर्नमेंट ने एक रूल अप्लाई किया था कि 31 मार्च 2019 के बाद अब कोई भी अनट्रेंड टीचर ना तो प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर पाएगा ना गवर्नमेंट स्कूल में जो है टीचिंग कर पाएगा। तो इसी को लेकर के 14 लाख टीचर्स ने रजिस्ट्रेशन किया था NIES डीएलएड के लिए और 12 लाख ने जो है कम्प्लीट कर लिया है, जिसमें से 2.5 लाख के करीब जो है वो गवर्नमेंट टीचर हैं, बाकी 10 लाख और कुछ हज़ार जो है वो प्राइवेट टीचर हैं। अब मैं आप सभी की आवाज़ बन करके ये वीडियो आगे बना रहा हूँ कि अब जब आपका डीएलएड कंप्लीट हो चुका है तो इसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। बेनिफिट कैसे मिलेगा? 2019 चल रही है, जून निकलने वाला है, जुलाई लगने वाला है। जुलाई में न्यू एडमिशन होते हैं और न्यू ही रिक्रूटमेंट होती है टीचर्स की। तो ये रूल जो 2017 से पहले बनाया गया था कि कोई भी अनट्रेंड टीचर अब नहीं पढ़ा पाएगा, ये इस साल से लागू होना चाहिए। और जब ये लागू होगा तो इसका बेनिफिट जो है वो डायरेक्टली सभी डीएलएड टीचर्स को जाएगा। एक तो रोज़गार मिलेगा सभी को, अच्छी सैलरी मिलेगी सभी को और एक प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा अपनी टीचिंग में, क्योंकि उस टाइम पर गवर्नमेंट का कहना था कि बच्चों के पढ़ाई का स्तर गिरता चला जा रहा है, क्योंकि वो बात सही भी थी। हाई स्कूल करने के बाद भी बच्चे पढ़ा रहे थे, टीचिंग कर रहे थे, इंटर करने के बाद टीचिंग चल रही थी। मतलब कि मैंने अपने आस पड़ोस के स्कूल में देखा है जहाँ पे 10th कर करके बच्चों को एक दूसरे की क्लास को जो है वो लड़कियाँ टीचिंग करा रही थी, पढ़ा रही थी। तो मतलब ऑब्वियस ही बात है, जब उनको पढ़ाने का तरीका ही नहीं पता होगा तो एजुकेशन का जो लेवल है वो तो गिरना ही करना है। तो उसी को लेकर के डीएलएड जो शुरू किया गया था NIES की तरफ से, उसमें सभी ने बहुत मेहनत करी, आपने अपना पूरा टाइम दिया, मेंटर ने आपके काफ़ी अच्छे से आपको एक मतलब प्रोफेशनल बना दिया है आप लोगों को कि आपको किस तरह टीचिंग करनी है, कैसे अपनी जो होती है लेसन डायरी कैसे बनानी है, आपको अपना ब्लैक बोर्ड कैसे मेंटेन करना है, हर एक चीज़ जो है। अब आप एक जो है प्रोफेशनल टीचर हो गए हैं। तो जब आप एक प्रोफेशनल टीचर हो गए हैं और जब एजुकेशन का लेवल बढ़ने वाला है तो ये रूल जो है अप्लाई होना चाहिए। अब अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल अनट्रेंड टीचर से टीचिंग कराता है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। और देखिए, इसका बेनिफिट आप लोगों को डायरेक्टली ये मिलने वाला है सभी डेली टीचर्स को कि जब ट्रेंड टीचर को ही रखा जाएगा तो अनट्रेंड टीचर को रखने का ऑप्शन ही नहीं बचेगा। इसमें एक तो आपकी जो रेपुटेशन है वो बढ़ेगी, दूसरा आपकी जो सैलरी है वो ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि जब आप ही एक ऑप्शन होंगे तो दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। और जब सब डीएलएड टीचर वाले मिल जाएंगे कि भैया हमें जो है कम से कम 10,000 चाहिए, कम से कम 15,000 चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है अनट्रेंड को अपॉइंट कर नहीं सकते और आपको 10,000 से कम दे नहीं सकते। तो इसका बेनिफिट जो है डायरेक्टली आपको मिलने वाला है। तो मैं आपकी आवाज़ बन करके ये वीडियो को आगे बना रहा हूँ कि गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है सभी डीएलएड टीचर्स की कि 2019 से ये जो आपका डीएलएड आपने कराया है इसको सभी प्राइवेट स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल पर अप्लाई करना चाहिए और अब कोई भी अनट्रेंड टीचर टीचिंग नहीं कराना चाहिए। अगर ये मेरी बात सही लगती है आप सभी डीएलएड टीचर्स को तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करेंगे और सब में शेयर करेंगे और आपकी जो भी राय है वो कमेंट में बताएंगे और उसको जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सभी तक ये जो न्यूज़ है वो पहुंच जाए और कोई भी अब प्राइवेट स्कूल अनट्रेंड टीचर के थ्रू टीचिंग ना करा पाए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए अपडेट्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।